रंजन हंसदा यहां पर 13 में नजर आएंगे। मुकाबला शुरू हो चुका है और ये मुकाबला बेहद ही रोचक होगा। वही उसके ओपोनेंट टीम पटना बिहार की ओर से, नाम यहां पर बहुत सारे खिलाड़ियों का दिया गया है, 11 से भी ज्यादा, लेकिन उसमें टीम मार्क नहीं किया गया है। उसके फर्स्ट 11 कौन कौन है यहाँ पर आपको देखकर ही पता लगाना होगा। लेकिन यू ही शुरुआत हुआ इस मुकाबले का। पिछला मैच जो ऑडियंस अभी भी आए हैं, सिद्धो कान्हू मेमोरियल क्लब डकैता आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। और एक मैच आज खेला जा चुका है और उसमें से मैच में किसी प्रकार का गोल हुआ नहीं। एफसी गोड्डा और इस्लामपुर के बीच में वो मुकाबला 0-0 पर छूट गया था और टाई ब्रेकर में गोड्डा की टीम ने उस मुकाबले को आसानी से जीत करके वो सेकेंड राउंड के लिए जगह को सुरक्षित किया है। दूसरा मुकाबला का शुरू हो चुका है और इसमें मेजबान और मेहमान के बीच यहाँ पर मुकाबला शुरू हो चुका है। इस मैच में देखना होगा क्या ग्राउंड गोल लाएगा। अब तक कोई मैदानी गोल आया नहीं है, एक मुकाबला खेला जा चुका है। राइट फ्लैंक्स यहाँ पर अपना होम ग्राउंड में पहली गोल की तलाश में, यहाँ पर मौका बन जाएगा। अच्छा क्लियरेंस आता हुआ डिफेंस लाइन से, बड़ा खतरा यहाँ शुरुआती क्षण में ही बन गया था। और अभी भी इस मुकाबले में बहुत कुछ होना बाकी है, अभी अभी मैच शुरू ही हुआ है। वही पटना बिहार की ओर से यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का सिलेक्शन देखा जा रहा है। राम जी मुर्मू आ चुके हैं मंच के नीचे में, मैं देख पा रहा हूँ। और मैन ऑफ द मैच का खिताब को देने के लिए ग्राम पंचायत डकैता के मुखिया बाबूराम टुडू, जिसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने शुभ हाथों से राम जी को यहाँ पर वो सम्मानित करेंगे। जोरों की ताली होना चाहिए मुखिया महोदय के शुभ हाथों से राम जी ने अपना मैन ऑफ द मैच का खिताब को ग्रहण किया है। हम लोग आपने मार दिया बाहर में, मैं तो पटना बिहार के ओर से यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का सिलेक्शन आप देख पा रहे हैं, लेकिन रंग कौन सा टीम यहाँ पर लाएगी। पटना बिहार जो कि यहाँ पर इस ग्राउंड में उत्तरी गोल पोस्ट से दक्षिणी गोल पोस्ट के ऊपर में अटैकिंग कर रही है। बहुत ही अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का, राहुल जैसे खिलाड़ी को आप देख पा रहे हैं, सुनील को देख पा रहे हैं उस टीम से, रघुनाथ मुर्मू जैसे खिलाड़ी खेल रहे हैं, सचिन मरांडी गोल कीपिंग कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से अटैकिंग फुटबॉल उन्होंने नहीं दिखा पाया है। क्या प्रभाव डाल पाएंगे मेजबान के ऊपर में पटना बिहार की टीम, यहां पर अपील। और निश्चित ही इस मैच के निर्णायक ने शिशिर का इस मैच के निर्णायक पश्चिम बंगाल से चल कर आए हुए ओपन सरकार, जबकि लंबे कद के निर्णायक को देख पा रहे हैं हमारे कम बॉक्स के नीचे में, सबके पसंदीदा निर्णायक मुन्ना सिंह, और जो कि पूरे रेफरी टीम को नेतृत्व किए हैं इस क्षेत्र में, और सबसे मिलनसार एक रेफरी ही नहीं वो एक अच्छे इंसान है जगाबंधु दास को, वो असिस्टेंट रेफरी वन की भूमिका पर, जबकि मुन्ना सिंह असिस्टेंट रेफरी टू की भूमिका पर। अमर का हल्का शॉट यहां पर आता हुआ, लेकिन ऐसे में मेजबान टीम के खिलाड़ी ने बहुत पोजिशन को बहुत आराम से ले लिया है, और लंबा शॉट यहाँ पर एक बार टेस्ट कर लिया जाएगा सचिन मरांडी को, लेकिन यहाँ पर इस शॉट से कोई खतरा नहीं था पटना बिहार को, लेकिन सचिन मरांडी के बाद का की तो कोई टीम वो उतना आसानी से पूरा गोल में बदल पाई हो। शॉट यहाँ पर शानदार हेडर ऑफ मौका बनाएगा, लेकिन दो दो डिफेंडर के बीच में अच्छा अंडरस्टैंडिंग देखने को मिला है। राहुल ने वापसी कराया था, लेकिन शानदार क्लियरेंस आता हुआ डिफेंस लाइन से, और यही करना होगा मुझे लगता है यहाँ मेजबान टीम को। अगर वो अटैकिंग नहीं कर पाएंगे तो डिफेंसिव ड्यूटी वो बेहतर करना होगा उनके डिफेंडर को, तभी वो बच पाएंगे। अच्छा शॉट वहां पर, लेकिन राहुल के पास फिर से एक बार बॉल जाता हुआ, राहुल ने पास निकाला है अपने सहयोगी खिलाड़ी के लिए, और ऐसे में
अपने हाथ से क्या बॉल को आगे निकाल पाएंगे। बढ़िया तालमेल, बहुत ही बेहतरीन करते हुए मेजबान टीम प्रभात, बहुत बढ़िया प्लेइंग को बदल दिया है। ऐसे में मौका बन सकता है सचिन मरांडी के लिए, खतरा, लेकिन वहां पर कॉन्टेक्ट हुआ नहीं। के पास डकेता, किसी भी टीम को कम नहीं अपना होगा। डकेता की टीम ने जिस तरह से मैं जिक्र किया था कि वो अपने होम ग्राउंड में तो उसका पूरा हाव भाव और शून्य शून्य की बराबरी पर वो मुकाबला छूट गया था। और टाइम ब्रेकर में घोंटा की टीम ने दो शॉट इस्लामपुर की खिलाड़ियों का खराब रहा और आसानी से उसको अगले राउंड के लिए जगह मिल गई है। रामजी बोलो रहे उस मुकाबले के, ये इस टूर्नामेंट का मात्र लड़कों के साथ साथ लड़कियों का आकर्षण फुटबॉल मैच आपको देखने को मिल जाएंगे। अशोक यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन क्रॉस ब्रैंक की तरह मौका बन जाएगा, लेकिन शॉट के लिए जगह नहीं था। ऐसे में गोल यहाँ पर एक शून्य की बढ़त मिल जाएगी इस मुकाबले में। और थोड़ा सा डिफेंस लाइन के खिलाड़ियों में तालमेल की कमी, एक शून्य के बाद नाम से यहाँ पर अंकित किया गया है खिलाड़ियों की सूची में, लेकिन मुझे लगता है वो किस तरह से मेंशन किया है वो बाद की बात है। लेकिन सुनील के नाम पहला गोल, अमर कुमार महतो यहाँ पर बहुत अच्छा बाएं फ्लैंक के क्षेत्र में, और किसी भी टीम वो बखूबी जान रही है कि एक गोल मेरे लिए काफी नहीं है, दूसरा गोल मारना बेहद जरूरी होगा। राहुल कुमार से क्या बॉल पोजीशन ले लेंगे? जी बिल्कुल, और आइए आपका स्वागत है। आई मास्टर हाव राजेंद्र अरे घमासांग मुकाबला सरेगी रोड़े चला तो मी से कोई पटना बिहार रन टीम और मी से कोई मेजरवान डके तारे टीम नो में खिलाड़ी की कोलकाता पर सुनील एमरम ने तुम गंदा है गार नंबर ताला सोरेन थे बॉल बैक के दाए राहुल लग राहुल अच्छी प्रयास है ना पास माटी संदार है डुबकदा लेकिन आयरन पार्टनर खिलाड़ी कोहली की रफ्तार है शॉट 13 नंबर जर्सी हीरो का खिलाड़ी काफी बहुत ही सुंदर पास का लेफ्ट आउट खिलाड़ी रोहित खिलाड़ी की नंबर है जनता फिर से दमदार शॉट लेकिन गोलकीपर सोनालाल टुडू बहुत ही दमदार गोल बना पा निश्चित तौर मौका था लेकिन वो मौका रहा फायदा अमर फायदा उठा और फायदा उठा बार बार खिलाड़ी को पछकुई दाम मेजबान टीम रेंज जिसके चलते पटना रेंज टीम ने मौका को जान दिया। जर्सी नंबर 5 के बॉल चला अपना गोल दागने वाले पाला गोल दागने वाले खिलाड़ी सुनील शॉट है जमा बेदार बेकार सा शॉट कोई फायदा पा थोड़ा गन बलिंगा लंबाई का तीखे तरह पास पे लेकिन उन्हें कोई खिलाड़ी बांगले करते ताला पटना रहे बॉल कंट्रोल करा हरवा कंट्रोल करने के बाद लहा तेजी करा हालांकि विकास थोड़ा गन बड़ी कहते रिफ्लेक्ट होके गए छोटी लाल पर चुकीदार कचरे का कोच बाहर थे नतीजा प्रो इंडिया मौका टकेदा 7 नंबर प्रभात कुमार हेमराम मलिंगाल करने से काम पता जरे मलिंगा विभिन्न सने माया जिन्हें ही बांग लंबा शॉट लगा पते नौ बोले क्लियर करा हालांकि रघुनाथ ने बनाया जर्सी नंबर 1 के बाद 12 नंबर लगे टकेदा ने उन्होंने मौका बना चेज का लेकर पांडे जी बॉल बैक के दा जर्सी नंबर 1 प्रभात बहुत सुंदर लेकिन ज्यादा फायदा मांग लेना पास ही ना मौके मांग राहुल कटिंग मजा पास लेफ्ट आउट नहीं खिलाड़ी अड्डी बढ़िया कंट्रोल करा जर्सी नंबर 14 राहुल बैक पास के तुम रहे अपन गमी पूरा करा आरसी आयरलैंड ने डिफेंस लाइन खिलाड़ी अच्छा पास सुनील लग लेकिन सुनील जब तक पड़ा तब तक विभीषण थे बॉल चलाओ करा विभीषण चंदावान खिलाड़ी जर्सी नंबर 5 थे बॉल बॉल कंट्रोल करा घन कराते बॉल दी करते उन्होंने बहुत ही सुंदर पास टुक करा ओहो थोड़ा गान 11 नंबर से ने टपा लिखा पासे जो सचिन इन मौका बाय नाम किया लेकिन सचिन साइड ऑफ साइड टूर्नामेंट रहा पहला गोल दगने वाले पहला खिलाड़ी बनाओ का लेकिन गलत पास जिसके चलते 14 नंबर कटी बचा पास भी बिसंत की लगे लेकिन चलना कितने बोले रहे क्या कि ना हालांकि मलिंगा गेंद के पीछे रहे थोड़े जीना बॉल है कंट्रोल है मलिंगा लिंगा कटाते थे या लंबाते जी हाँ लंबाते तो बाय थे रीदा सीधे इतना विपिन ऊपर नाम टीम खिलाड़ी ताला थे ताला रदा दाते ने दी गया मौका है भनौदा सही पास बाय अंदरीदा अमर कुमार महतो हालांकि मुड़े तहे करना लेकिन बाय अंदरीदा प्रभात जर्सी नंबर 1 फिर से बोले पड़ा अपना रंजीत मुर्मू राइट आउट का तीखे दिया उन्हें मौका दिया लेकिन ऑफ साइड के साथ बॉल कंट्रोल करते हुए बीते खिलाड़ी सारी ने चकमाई अनको दिया वहां से कह दे दिया बढ़िया खिलाड़ी सारी ने चकमाई दी कदा सही बात है कोशिश रंजीत के लिए रंजीत आगे बाद खिलाड़ी लेकिन फिर से ऑफ साइड उनका मैच का दिया इस बीच फिर से पटना
दूसरी गोल भी आप लोग प्रूव करे विभिषण क्लियर करा, हालांकि पारा भी सुंदर है ना, विंगर रन जो खिलाड़ी होना चाहिए अप एंड डाउन खेल दिया प्रतिभा सत्र नंबर अध्यक्ष होते थे 501 का ये नगद पुरस्कार यहाँ हुआ। चलिए गोल के रिटेनिंग गोल विभिषण अभी खतरनाक गाड़ी करा लगे काम हुई क्या कोई गोल गाड़ी अपना जिन्हें तीनों बड़े के काम कर दिया तीनों शानदार ओहो पूरा गोल कर दे लेकिन थोड़ा कर पास से कर बना के दस्ता सात नंबर इमारत का कहे के ना लेकिन विभिषण ने कर दिया। चलिए अमर लंबाई का तीर जैसे नंबर 15 लगे जैसे नंबर 15 मौके जाप किया लेकिन इस बीच रघुनाथ ओहो सेकंड हाफ रे जी देखा वापसी गाड़ी करा से बाकी है थ्रो इन करने का मौका यहां पर मिला टेकेता के लिए एक खिलाड़ी को चकाने के बाद बॉल को अपने साथी खिलाड़ी के लिए आगे की ओर सरकाया। बीच फिर से एक बार मध्यंतर के बाद खेल की शुरुआत होती हुई और इस बीच बॉल को अपने क्षेत्र से निकाला बॉल टच लाइन के बाहर। फिलहाल अभी भी एक खिलाड़ी को चकाने के बाद यहां पर मौका है जर्सी नंबर 6 के लिए बाएं पर से शॉट जमाए भी पर खतरा हो सकता है लेकिन खतरा को यहां पर निरस्त किया। अभी भी पटना बिहार एक खिलाड़ी को छकाने के बाद अपने साथी खिलाड़ी को तलाशता हुआ और छोटी छोटी पास यहां पर अच्छा तालमेल यहां पर बनाकर रखा हुआ है पटना बिहार की जो खिलाड़ी आई हुई है इस मैदान और यहां पर ऑफसाइड भूमिका निभाई काफी अच्छी 22 खिलाड़ियों पर उनकी नजर काफी पैनी नजर रखी हुई यहां पर डकैता फिर से अपने साथी खिलाड़ी के लिए बॉल को आगे की ओर सरकाया लेकिन पटना बिहार भी कम नहीं अपने राइट फॉर्मेट के लिए बॉल को एक बार आगे की ओर सरकाया एक बार फिर से यहां पर हमला बनाने के प्रयास यहां पर पटना बिहार शायद 200 के उन पर निगाह होंगी लेकिन अभी तक डकैता टीम क्या वापसी करने का उनके पास एक मौका है यहां पर और इस बीच फिर से एक बार सुने की बढ़त बनाकर यहां पर खेल रही है और इस बार लंबा शॉट यहां पर उतना ही करारा जवाब यहां पर डकैता की तरफ से। अभी तक काफी शांत माहौल में ये फुटबॉल का ये महासंग्राम चलता हुआ आज का दूसरा मैच एसकेएमसी डकैता वर्सेस पटना बिहार के बीच में और 1-0 की बढ़त बनाकर हौसला को बुलंद किया है यहाँ पर पटना बिहार। वहीं पर डकैता के लिए एक ऑफर है जितना अगर गोल दागेंगे उतना ही आपको 100 रुपये से पुरस्कृत किया जाएगा इंडियन पब्लिक स्कूल की तरफ से। तो देखना है यहाँ पर वापसी करने का यहाँ पर अच्छा मौका है डकैता के पास क्या वापसी कर पाएंगे यानी फिलहाल बीच में से डकैता के बॉल अभी भी और इससे पहले बॉल टच लाइन के बाहर थ्रोन का मौका मिला है यहाँ पर पटना बिहार के लिए एक बार फिर से थ्रो किया जैसे नंबर 16 के लिए और इस बीच फिर से एक बार अपने राइट फॉरवर्ड के लिए बॉल को आगे की ओर बढ़ाया फिर से मौका बन सकता है यहाँ पर डीपर शॉट लगाने की तैयारी में शॉट तो लगा था और इसमें फिर से एक बार अच्छा मौका यहाँ पर पटना बिहार के लिए एक खिलाड़ी को छकाने के बाद छोटी छोटी पास यहाँ पर लेकिन डकैता के द्वारा अपने क्षेत्र से बॉल को यहाँ पर निकाला है छोटी छोटी पास के जरिए यहाँ पर डकैता बॉल को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश में यहाँ पर एक खिलाड़ी को छकाने के बाद एक अच्छा मौका है यहाँ पर वापसी करने का लेकिन यहाँ पर चुके फिलहाल अभी भी पटना बिहार जर्सी नंबर 11 अपने साथी खिलाड़ी के लिए 9 के लिए बॉल को आगे की ओर बढ़ाया फिलहाल शॉट जमाने की तैयारी में यहां पर डीपर लेकिन बॉल पुनः वापस यहां पर बॉल धीरे धीरे टच लाइन के बाहर हमारे असिस्टेंट रेफरी मुन्ना साथ में है जगबंधु दास काफी सहयोग कोऑपरेट करते हुए यहां पर और इसमें फिर से एक बार एक खिलाड़ी को चकाने के बाद यहां पर इससे पहले यहां चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मजरू जी। सेकेंड हाफ या मुकाबला 1-0 बुढ़ार पटना बिहार
लेकिन मैच रे रोमांच जीत हो बिना गया चला जी एक गोल मामूली गोल को मितावा और नुआ गोल अंतिम सेकंड राउंड रे को वापसी दड़िया करना देखे तारे टीम देखे ता लंबाई का पी के दा जर्सी नंबर 9 फ्रीम लग लेकिन नते पर दीपक अनुरा इच्छा के रंस राहुल के लिए राहुल पटना बिहार लेकिन थोड़ा गन ले जी जिसके चलते मैं बड़ी लेते हैं लेकिन वहां ले जी ने पाला नुड़े रिकवरी करा श्रीकांत जगत जी ने इन्होंने बॉल बना करा जर्सी नंबर 9 है गेंद रन बना तो लेकिन सी एस का लड़के ना छेना चपकी जाने गया बहुत ही सुंदर पास हुई करा जर्सी नंबर 12 अमर कुमार महतो बॉल क्रॉस किया लेकिन सीधे गोलकीपर सुनालाल टूट है बॉल चलाना कोई खतरा का गेंद हवा रे विकास लगा बनाओ बना जले को विकास बोले कंट्रोल है भाई कंट्रोल कर दीदा छोटे ना बोले रे जुई ना अब की बात लता लता तेजी दर निकाली लगे तालक लेकिन था शॉट जिसके चलते आर्मी टॉम आ रहा पटना तेजी नो नंबर बीच रे का तीखे जा ताला ताला बहुत ही बहुत गैप रे इस्तेमाल करते हुए लेकिन तीन नंबर अच्छा किया रन सुई करा तीन नंबर हमने रखा ना सुंदर है गाती किना राजेश हेमराम बेबी संत लगा लेकिन मानते दम तक जर्सी नंबर 6 ना बॉल आया पक्ष की तो किना अमर तुम्हार बात तो ची पास राइट आउट 7 नंबर के लिए लेकिन 7 नंबर पायो गोलकीपर सुनालाल टुडू लहा और बॉल आर्मी को कलेक्शन करते हुए बेबी संत अच्छा काम मिल करते हुए थोड़ा रन बना रहे अच्छा मौका है जर्सी नंबर 6 विकास कुमार लेकिन एक मौके रे दीपक गेंद पटना ने खेला जर्सी नंबर 5 सुनील के लिए सुनील का 7 नंबर लगा 7 नंबर अच्छा क्रॉस करा लेकिन सीधे सुनालाल टूट है बॉल चलाना कोई खतरा जो अपना प्रभात पास खेल में बहुत ही सुंदर पांडे थे पांडे बॉल बैक था जर्सी नंबर 7 फिर से प्रभात थे की तालमेल मारे सुंदर की लेकिन मुआतला ने दीपक ना बॉल ट्रे कब्जा करते हुए बबलू लगा बबलू का प्रयास छोटे लाल मारिया कोशिश रहे बहुत ही सुंदर तालमेल छोटे लाल रन बना रहे मौका बिना आप लेस बिना कहां से लेकिन ऊपर से नकातिया ये तो बीते आए थे कि बोले तो बड़ा कटी बेटा पास लगा होते जर्सी नंबर 7 लगे एम का दिया 7 तो घर में मोर ताला लगे ताला बोल शॉट रे गोल पोस्ट के दिशा में बना जी दी पाए बनाओ कदा आए थे कि बोले मटाओ कदा अरे कटी के लिए 7 नंबर ने लगे जले खान ने सुंदर गति करा बबलू टुटू भले वो बहुत बड़ा शानदार मौका लेकिन ब्लॉक के थे आए लेट किदा यार ना लेट दिया कमिया जा शॉट ब्लॉक चुके था अमर कुमार महतो लेकिन नीचे गति गिरा फायदा बांधेगा नीत पेपे उठे खिलाड़ी अकुरेंगी फिर से अपना ये खबर टूरे वाह मौका हुई देने का लेकिन बाबार उठे खिलाड़ी तलाते गेंद चूलिया ने को ऋषिश दा प्रभात बेपास का दाएं ऑप्शन हटी पड़ गया ओहो गोल बना लेकिन खराब शॉट कितने डिश पर ना खिलाड़ी कितना है ना लेकिन अगले मैच लगे जीरो दिखना मौका अगला मैच रे जमन मोचे पुनो गणिया और इस बीच असिस्टेंट रेफरी मुन्ना सिन्हा फ्लैग चितांते ऑफसाइड बहुत ही सुंदर लेकिन जर्सी नंबर 6 थे बोल 6 नंबर के लेवल तीनों बढ़िया तालमेल के साथ गेंद लगाते दी करा इस बीच पाला स्मरण राधा होते बॉल कंट्रोल तो अड़ी बढ़िया हो बुढ़ा भैया को मोटू है बहुत ही सुंदर पास वाह अमर कुमार मातो लेकिन दिशाहीन शॉट आनुआ सपोर्ट कहीं ना कहीं बांध जलो को कहना डकेता से कौन ची विंगर रन खिलाड़ी उन्हीं लिखा प्रदर्शन दिखा ऐसे जो आम उन्होंने मौका जामा लड़की बोलिंगा नेता ने फिर बढ़िया प्रयास करा इस बीच खिलाड़ी अच्छी शॉट है ना ची पास बहुत ही सुंदर पास जैसे नंबर 6 विकास बोले चूर करा मौका होगा ओके बाद गोल ओहो सचिन है भाई गोल पोस्ट से सचिन है जिसके चलते भकाओ के लिए खिलाड़ी और तीनों बढ़िया गोल्डन मौका है नीरज के तरफ इस बीच कटी में दबा राइट आउट है गति के में खिलाड़ी काफी तेज दौड़ और मौका का टाइम पता है बोलने की संभावना खतरनाक शॉट लेकिन दिशा हिट शॉट कोई फायदा मार थोड़ा सा दिमाग का लगा कम से कम धक्का मार या चक्कर रहे फिर से काफी शानदार प्रदर्शन कहीं गया गोल पोजीशन अटी अधिक कहीं गया यह अगर शॉट होते तो शानदार लेकिन कोई खिलाड़ी ने मांग लिखा रखता पर तीन रनों ने क्लियर करा हालांकि आपूटे की तरह ना पटना बॉल चला जे नौ रखा कोई खिलाड़ी मांग आसानी से बॉल क्रॉस भी अपना करना करना क्रॉस भी जाया करना जी का सही पास तो को जी हां गलत पास हालांकि मुद्दा नहीं खिलाड़ी भाई कहां पे पास करता राहुल हालांकि गेंद लगा रहा था लगा था है पास कर खिलाड़ी लेकर लेकिन असिस्टेंट रेफरी आपने सितम से ऑफ साइड लगा लगा तेजी के कोई मौका मांग
जर्सी नंबर दो रघुनाथ काफी देर के बाद बोला है साहब करा जिले को रघुनाथ अच्छा पास है दुकान जर्सी नंबर तीन लग लेकिन तीन नंबर पास या बुझे का पूरा बांग बुझे जम करा है जब मौत है मैं पास बड़ी क्या बन जमा टेंशन ना लिया ताल द लेकिन रंग सुनील अली मोजे बना पड़ा अपना राहुल राहुल आते हैं ना लेकिन अली जर्सी नंबर पांच जर्सी नंबर सोलह लग अली पुरी राहुल के रूप में बहुत ही सुंदर पास दुक्त रोज पटना बिहार जर्सी नंबर बारह लग अमर कुमार माथुर लग लेकिन कभी मजा पास लेकिन खराब पास खराब पास थोड़ा कम धीमी गति दिखी गति के ना अमर लेकिन सटीकता की जरूरत बिना पास में थोड़ा कम रौनकता की आवश्यकता बिना आप अमर लग चलिए दो खिलाड़ियां थोड़े मौका बनाओ करते हुए जर्सी नंबर नौ है बॉल अट्टी पड़ी ऑप्शन मिला दो खिलाड़ी थे बहुत ही सुंदर कटिंग अरे खिलाड़ी बंदर की तरफ मैंने चाहा कि ना अरे अंदर कटी का पास ताला लगा कर का होगा अरे तुम कहां बैठे गोल बनाओ था जैसा बना था लेकिन गोल गोल करते की बाहर गोल गाड़ी था हालांकि कॉर्नर किक के माध्यम से गेंद बहुत ही सुंदर रिफ्लेक्ट होके जर्सी नंबर पांच सुनील कुमार हेमराम उनका कदम मैच रेप गोल लगने वाले खिलाड़ी का बैक किधर बबलू लग लेकिन बबलू आपको बैक बैक करने की थोड़ा कम खतरा टलाव करा हालांकि ताला खतरनाक खिलाड़ी खतरनाक गोल वाह क्या कमाल का फुटबॉल है राती के रात ही को मुकाबला रहे ताला सोरे ऑल ग्राउंड रन हुई खिलाड़ी है हुकूमत की दीदार जिकना चाहे हार्बर लाइन रन सहयोग हो चाहे हम बचाव की मुद्दा रहे कायम के हो चाहे बॉल बना मलिका बहुत ही सुंदर पास मलिका के द्वारा डके ताल जी आयरन साहब हुई खिलाड़ी फिर से मलिका लगा की पास बोर्ड का था विभिन्न ने खिलाड़ी बहुत ही सुंदर पास जर्सी नंबर 13 लग देखे ताल लग उन्होंने मौका हो जाने का गेम प्रयास के मार्ग करते हुए लेकिन देव पर गेम मौके रहे अगर वहां पर बाएं मुकाबले का देखे ताल को जावे का रहना लेकिन उनका बात भी ना लेकिन अंतिम समय में फिर से मलिका रहते हुए बैक पास करते टाइम थे टाइम दे करते तो जर्सी नंबर 7 प्रभात ने प्रभात में बैक पास करा जिसके चलते गेंद आउट हो गई तो पटना ने खिलाड़ी थे वाह राहुल राइट आउट का तीर दिया वही खिलाड़ी पास ने कर दिया लेकिन उसने जगह बिना पास या वो मौका बिना और वो मौका बैक के माध्यम से ही होना होगा था बैक रन खिलाड़ी की सुनील रजदाव का है और बिल्कुल सही पास बिल्कुल सही पास में तीसरी बॉल में ऐसा जो पास है तीसरे सारा कर बॉल ही निकला जर्सी नंबर 9 बॉल है गुणवा बॉल गुणवा गोल और इसी के साथ सुंदर गोल बैक टू बैक दो गोल वाह जर्सी नंबर 9 हो किसी से कम बा मौके नाम किया बीते खिलाड़ी लिंगा कटा टेडी खर्च से कटाव किया और सीधे ओपन रह गए गोल पोस्ट पे समाव एम का दिया 13 नंबर लग लेकिन 6 नंबर पे नड़े पाए दाड़ी ना अपना बहुत अच्छा नहीं थे बिना परेशानी थे और मुकाबला तो हमें